हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन की वजह से मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए कभी पैदल सफर पर निकल पड़ते हैं तो कभी साइकिल पर। और ये तस्वीर पिछले एक डेढ़ महीने से देश के अलग अलग हिस्सों से आप देख भी रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कोरोना काल की कहीं एक गुप्त घर वापसी ना हो जाए। इस बार सूरत में कुछ मजदूरों ने गुप्त तरीके से घर वापसी की कैसे कोशिश की, हमारी रिपोर्ट से जानिए। ये वो ट्रक है जो आम दिनों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, लेकिन इस लॉकडाउन में ये ट्रक मजदूरों को चोरी छिपे लाने का काम कर रहा था। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत में फंसे उन मजदूरों की हैं, जो अपने घर उत्तर प्रदेश लौटना चाहते हैं। इन मजदूरों को अवैध तरीके से गुजरात की सीमा पार कराने वाले इस ट्रक ड्राइवर को सुनिए। ये लोग सूरत में फंसे हुए थे, तो हम यहाँ से चावल भर गए थे सूरत, ठीक है। उसके बाद जो है भाई हमारे पास आए, बोले 5-7 आदमी हम लोग है अपने घर गाँव के, मान लो सब एक ही जगह आदमी काम करा तो और भी अपने दोस्त साहब बनाए थे। मैं तो गिनती करने गया नहीं था। रात में हम लोग गाड़ी लेके वहाँ से निकले, रात में लोग डाले मार के बैठे हैं। सूरत से ये ट्रक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जा रहा था। यूपी के फतेहपुर पुलिस ने शक के आधार पर रोक कर तलाशी ली। अंदर 26 मजदूर बैठे थे। सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।